10 reverse ulta chappu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. 3 गहरे लंबे सांस, 2 लेग को एक साथ स्ट्रेच करेंगे, नीचे अपलॉक करेंगे, रेज करेंगे 90 डिग्री, 2 लेग को एक साथ, पांव जुड़े हुए हो, नी जुड़ी हुई हो, 90 डिग्री ले जाने के बाद सामने की तरफ जाते हुए फोल्ड करते हुए दोनों पाओ को एक साथ पैडल, साइकिलिंग का पैडल एक साथ, 2 3 4 5. घुटने खुल रहे आप लोगों के, घुटने जोड़ कर रखे, घुटनों में गैप नहीं होने चाहिए. 7 8 9 10 रिवर्स उल्टा उल्टा पैडल 9 8 7 6 5 4 3 1 एंड रिलैक्स. फील करें ये एक्सरसाइज खास तौर पर नी जॉइंट्स के लिए, नी जॉइंट के पेन के लिए, आपके नी की ओवरहॉलिंग के लिए खास तौर पर. लेकिन इसके साइड बेनिफिट जो है, बोनस बेनिफिट, आपके थाई स्ट्रांग होती हैं, आपकी कॉक स्ट्रांग होती हैं, आपके हिप जॉइंट स्ट्रांग होता है, स्टमक का वेट कम होता है, हिप्स का कम होता है, आपके बटे का वेट कम होता है, लंबर लोअर बैक एडजस्ट होती है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है और स्ट्रांग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड का फ्लो नॉर्मल होता है. ये इतने सारे इसके बेनिफिट, साइड बेनिफिट हैं. खास तौर पर नी के लिए एक्सीर का काम करती है. अब यहाँ से उठेंगे कैसे, उठने का अंदाज वही, राइट करवट पहले लेंगे, राइट आर्म को फोल्ड करके सर के नीचे रखते हुए राइट करवट लेंगे, लेफ्ट दोनों फोल्ड करेंगे, गुस्से के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड अपने चेस्ट के सामने जमीन पर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी एल्बो पर आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एल्बो पर इस तरह से आ जाएंगे. दोनों हाथों का सहारा लेते हुए दोनों हाथ आहिस्ता आहिस्ता सीधे करते जाएंगे, बॉडी को दूध ऊपर होती जाएगी और घूमकर सीधे हो जाएंगे. ये आपका उठने का अंदाज है. अभी हम लेग को पीछे करके वज्रासन में इस तरह से आ जाएंगे. वज्रासन में आने के बाद टेबल फॉर्म, ये वाला पोज, इस पोज में आने के बाद अभी जो सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये भी नी के लिए है. नी के लिए कमाल की एक्सरसाइज, दोनों हाथों के दरमियान शोल्डर के साथ जितना फासला रखें, पाँव को जमीन पर बिछा लें, दोनों पाँव को जमीन पर बिछाते हुए राइट लेग को रेज करेंगे, राइट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रेज करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, डिग्गो को पीछे की तरफ खींचते हुए पूरी लेग को खींचेंगे पीछे. नी का और जमीन का फासला, आपकी थाई का और जमीन का फासला मेंटेन करते हुए लेग को फोल्ड करेंगे पीछे, सांस बाहर निकालेंगे, एक्सहेल इनहेल करते हुए सीधी करेंगे,
Exhale, fold. Inhale, back. Exhale, fold. देखो slow, dead slow motion में करेंगे. Inhale, back. Exhale, fold. Back, fold. Five, six, seven, eight, nine, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. रिलैक्स. लेफ्ट को रेज करेंगे, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, बैक फोल्ड करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. रिलैक्स. वज्रासन में आएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. ये एक्सरसाइज जो हमने लेट कर पैडल वाले की और ये एक्सरसाइज एक अभी और करेंगे. ये कहलाती है वेट लेस एक्सरसाइज, जिनका वेट नी पर नहीं पड़ता. अगर नी को प्रॉब्लम हो, किसी को भी साथी को, आपके जानने वाले को नी का प्रॉब्लम अगर हो, तो ये एक्सरसाइज रिकमेंड करें, क्योंकि ये वेट लेस है. कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो खड़े होकर करते हैं तो उनका वेट दबाव पड़ता है नी पर, तो डैमेज हो अगर नी, तो वो खड़े होकर या एडवांस वाली एक्सरसाइज नी की जो है वो नहीं की जाती. तो ये कैसे पता हो आपको किसको कौन सी रिकमेंड करनी है, कम से कम नॉलेज होना चाहिए. अगर नी खराब हैं, नी के इश्यूज सीवियर हैं, तो ये जो हमने लेट कर की और ये स्टेबल फॉर्म में आकर की, अब ये कोर करने जाएंगे, ये बेहतरीन एक्सरसाइज है. इनका हार्म कोई नहीं है, नेगेटिविटी कोई नहीं है, क्योंकि आपकी नी पर डायरेक्ट वजन नहीं पड़ता, दबाव नहीं पड़ता. आपकी लेग इसमें रिवर्स होती हैं, लेग उठाकर आप कर रहे हैं तो वो वजन आपकी नी पर नहीं है, तो इसलिए इम्प्रूवमेंट ज़्यादा फास्टर होती है और बगैर किसी ज़रर के होती है, कोई नेगेटिविटी इसमें नहीं. दोबारा टेबल फॉर्म में आएंगे. टेबल फॉर्म में आने के बाद आप देख लीजिएगा, पहले एल्बो पर आ जाएंगे, राइट एल्बो को नीचे रखकर सीधा कर लेंगे हाथ को, फिर लेफ्ट को नीचे रखकर सीधा कर लेंगे हाथ को. दोनों हाथों की उंगलियाँ हमारी एल्बो के तरफ चली जाएंगी. इस पोज में आने के बाद राइट लेग हम रेज करेंगे, राइट लेग रेज करेंगे, ऊपर उठाएंगे और ये 60 डिग्री पर जाएगी, लेग हमारी 60 डिग्री पर रहेगी. पहले तो हमारी लेग स्ट्रेट थी, अब 60 डिग्री पर ऊपर और ऊपर उठाएं. अब इस 60 डिग्री को मेंटेन करते हुए आपकी नी तक आगे की लेग को फोल्ड करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. चेंज. लक लक को रेज करेंगे. मरवाड़िया. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. रिलैक्स. वज्रासन में आ जाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. ये आज पूरा आपका नी का सिलेबस था. नी को कैसे एड्रेस किया जाता है,
गहरे लंबे सांस लेंगे तीन, राइट हैंड हार्ट पर रखते हुए, लेफ्ट हैंड बेली बटन पर रखते हुए तीन गहरे लंबे सांस। कंसंट्रेशन अपनी बॉडी पर, अवेयरनेस अपनी बॉडी की, न्यूट्रल ऑब्जर्वर बनते हुए अपनी बॉडी की स्ट्रेटनेस को, शार्पनेस को, सॉफ्टनेस को चेक करें, अप्रिशिएट करें अपनी बॉडी को, इसके लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अगेन दोनों हाथ, ये आप जो भी करने जा रहे हैं ये आपके लंबर्स के लिए, लोअर बैक के लिए, हाथ आगे रखते हुए टेबल फॉर्म में आ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बॉडी की, एक्सेलेंट। सर थोड़े से नीचे हो, थोड़े से नीचे और नीचे, ये एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थोड़े से नीचे हो सर, थोड़े से नीचे हो, सीधे बॉडी को सीधा करें, बिल्कुल सीधा करें, एक्सेलेंट, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा हाथों का साइज कम करें तो ये, ताकि आपके शोल्डर से लेकर नीचे तक स्ट्रेट हो, सीधे स्ट्रेट। पाँच से दस से पंद्रह से बीस सेकंड जितना देर कर सकते हैं इस पोज में रहेंगे, ये आपकी लंबर्स के लिए, आपकी पूरी स्पाइन की अलाइनमेंट के लिए कमाल की एक्सरसाइज। सबसे पीछे नीचे हो, हाँ नीचे हो, ये स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, पूरी बॉडी की सीधी लाइन, ये हिप्स को ऊपर उठाएंगे, वी बनाएंगे, उल्टी वी, हिप्स को ऊपर ले लें, पाँव को थोड़ा सा आगे लेकर पूरा पाँव जमीन पर, पूरा तलवा जमीन पर, दोबारा प्लैंक पोज में आएंगे, 10 से 15 सेकंड अगेन, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक्सीलेंट, जबरदस्त। सामने देखें, सामने देखें, बिल्कुल सामने देखें, थोड़ा सा नीचे हो, एक्सीलेंट। नी को नीचे रखेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे, रेस्ट करेंगे अपने एल्बो को, अपने बाजू को रेस्ट देंगे, मुट्ठी बनाएंगे, खोल देंगे, मुट्ठी बनाएंगे, खोल देंगे, रिलैक्स करेंगे अपने बाजू को, वंडरफुल। दोबारा आएंगे उसी पोज में, लेकिन आप थोड़ा सा चेंज करेंगे वर्जन को, पाँव के दरमियान गैप ज़्यादा रखेंगे, पाँव के दरमियान कम से कम 2 से 3 फीट का गैप, और बाकी सीधी, बाकी सीधी रखेंगे थोड़ा सा, बस बस बस, और नेक को ऐसे बीच में ग्राइंड नहीं, ऐसे वो निकाल कर रखें, ये ज़बरदस्त। अब हेड को टर्न करें और अपनी एड़ी को देखें पीछे, शोल्डर को नहीं हिलाना, अपनी एड़ी को देखें, सेंटर में लाएँ, उल्टी को देखें, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट। नी डाउन और दोबारा वज्रासन में आ गए, ये आपके स्पाइन के लिए, आपके हिप जॉइंट के लिए, आपके शोल्डर के लिए, पूरी बॉडी की सर से लेकर पांव तक तमाम बॉडी जॉइंट्स के लिए कमाल की एक्सरसाइज। दोबारा आएंगे उसी पोज में, ये तीसरा वर्जन है इसका, ये बाकी सब चीज़ों के साथ साथ पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करती है, पर्सनल लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए बाकी चीज़ों के साथ साथ। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पहले बनाएंगे, फिर हिप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पूरे बॉडी का लोड सेंटर में छोड़ देंगे, सर ऊपर हो जाएगा, वजन फील करें अपने लंबर्स पर, बिल्कुल ढीला बॉडी को छोड़ते हुए सीधा करेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, ऊपर नहीं उठाएंगे, कर्व नहीं बनाएंगे, ऊपर आर्च नहीं बनाएंगे, सीधा करेंगे और ढीला छोड़ देंगे, अप डाउन, अप डाउन,
अप डाउन 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 नी नीचे छोड़ देंगे। अच्छा जी, और रैपिड पोज में आ जाएंगे, इस पोज में आ जाएंगे। पूरे हेड को जमीन पर रख दें, स्टमक को दोनों थाइस के दरमियान नीचे, छोटे छोटे सांस, रिलैक्स बॉडी को करें छोटे छोटे सांस के साथ। इनहेल अप, ऊपर इस फॉर्म में आएंगे, टेबल फॉर्म में आते हुए राइट लेग को निकालते हुए सामने इस तरह से ले आए, राइट लेग को इस तरह से निकालेंगे, पीछे वाले पांव को पंजे पर खड़ा करेंगे, पंजा पर खड़े करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, और राइट लेग पर वजन डालते हुए ऊपर उठेंगे। इतनी आसानी से हम उठते ये उठने का बेहतरीन अंदाज नींद को सेफ रखने के लिए, अपनी नींद को महफूज रखने के लिए उठने और बैठने का बेहतरीन अंदाज, ये इतनी कमाल की लर्निंग है। अगर आप उठने बैठने को कंट्रोल कर लेंगे, एहतियात कर लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कभी भी आपके झटके से, अक्सर ये होता है कि चुप पड़ जाती है, झटका लग जाता है, अक्सर प्रेम भीतर पड़ जाते हैं, तो इससे नींद महफूज रहेगी, नींद की डेवलपमेंट होगी, नींद एम्पावर होगी। तो दोबारा सीख लेते हैं हम उठने का बैठने का अंदाज। अगर नॉर्मल कोई तकलीफ नहीं है, नी का कोई इशू अल्लाह करे ना हो, किसी को भी ना हो, तो आदत बना लें, सीधी टांग आगे रखें, सीधी टांग आगे रखें, तकरीबन ये इतना फासला होना चाहिए, एक से डेढ़ फीट का, और आस्ता आस्ता दोनों नी को फोल्ड करना शुरू करेंगे, लेकिन ऊपर बॉडी को आगे नहीं ले जाएंगे, अपर बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए दोनों नी को आस्ता आस्ता फोल्ड करेंगे, और हाथों की पोजीशन पहले ही बना लेंगे। ये देखिए, ये आस्ता आस्ता फोल्ड करते जाए और नीचे जाते जाए, ये बैठ के नीचे हाथों का जब वजन आ गया, उसके बाद आस्ता से नी दूसरी को पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने के बाद अगर वज्रासन में बैठना है तो ऐसे बैठ जाएंगे, अगर सुखासन में बैठना है तो क्या करेंगे, उसी तरह नी पर आने के बाद लेग्स को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड चढ़ा देंगे, और इस तरह से पीछे आ जाएंगे, और ये बैठ और ये सामने आ जाएंगे बेहतरीन अंदाज। दोबारा उठेंगे उसी अंदाज में आगे आएंगे, नी के ऊपर आते हुए राइट लेग को सीधा निकालेंगे सामने, राइट लेग सीधे निकल गई, और आस्ते आस्ते बॉडी को सीधा करते जाएंगे, सीधा करने के बाद फिर वजन इसके ऊपर आएगा। ये 8-10 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना इजी लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप इंजॉय करने लगेंगे कि बैठते उठते आपको पता नहीं चलेगा कैसे उठते कैसे बैठते। आज हमने तकरीबन सेशन बैठ कर कंप्लीट कर लिया, दोनों पाँव को जोड़ते हुए जब भी आप खड़े हों, खड़े होने के अंदाज में अक्सर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, अक्सर ऐसे मौके आते हैं कि हमें ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ जाता है, कहीं बिल जमा करवाने की लाइन में, कहीं डॉक्टर के इंतज़ार में, कहीं एयरपोर्ट, कहीं किसी दोस्त के इंतज़ार में, अक्सर खड़े होने का मौका मिलता है। और जब भी खड़े हों, कोशिश करें दो चीज़ों का ख्याल रखें, पांव की फॉर्मेशन सीधी हो, टेढ़े ना हो इस तरह से आगे से, पांव की फॉर्मेशन सीधी हो और दोनों पांव के ऊपर बराबर बॉडी का वजन हो। गधे की तरह हम साइड के ऊपर, अक्सर लोग इस तरह से रन कर देते हैं, तो जब इस तरह से होते हैं तो करके देखें कि आपका जब ऐसे होते हैं तो स्पाइन के ऊपर ज़िगज़ैग इम्पैक्ट आता है, हमारी स्पाइन जब इस तरह से लोड डालते हैं तो स्पाइन पर वजन पड़ता है, इधर से दबाव पड़ता है, इधर से ढीली होती है, तो यहाँ से ही हमारी सैक्रम बोन से ज़िगज़ैग होना शुरू हो जाता है, तो नतीजे के तौर पर क्या होता है कि हमें लोअर बैक के प्रॉब्लम इशू स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं।
बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाता है, बॉडी आपका जो अपेयरेंस है, आप एक पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, इसलिए कि जो आपका एक वकार है, एक शख्सियत है, वो पोस्चर के साथ लिंक है। पोस्चर जितना आपका आड़ा टेढ़ा होगा, पोस्चर जितना ख़राब होगा, उतना ही आपकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होगा। तो जितना आप स्ट्रेट रहना सीखेंगे, स्पाइन के साथ डंडी नहीं मारेंगे, स्पाइन के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, स्पाइन को बिल्कुल जितनी स्पाइन की स्ट्रेंथ है, जितनी लेंथ है, उस पूरी को आप शो करेंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, तो जब ये करेंगे तो हम क्या हो गया, हमारा साइज लेंथ भी हमारी कम हो गई। जब हम स्ट्रेट अपनी पूरी स्ट्रेटनेस के साथ, ओपन हार्ट के साथ, शोल्डर रिलैक्स के साथ हम खड़े होंगे, तो हमारी पूरी स्पाइन, पूरी लेंथ हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी। लेकिन अगर हम डिले डाले होकर हम अपनी स्पाइन को टेढ़ा करेंगे, तो वजन हमारा एक तरफ हो जाएगा, बॉडी पोस्चर बिगड़ जाएगा और लेंथ भी हमारी शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। जब भी आपको खड़े होने का मौका मिले तो आप इस तरह से खड़े हों। तो ये बजाते खुद एक बेहतरीन बेहतरीन योगा आसन है। स्ट्रेट दोनों पाँव पर वजन बराबर रखते हुए बेहतरीन योगा आसन है ये। इसके बेशुमार फायदे हैं। माउंटेन पोज इसको बोलते हैं कि स्टिल स्टैंड आप ऐसे खड़े होंगे, कभी भी मौका मिल जाए आंखें बंद करके अपनी बॉडी के ऊपर तवज्जो करते हुए, अपने सांस पर तवज्जो करते हुए चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए अगर आप रहेंगे, तो बजाय थकने के आपका मेटाबॉलिज्म रेट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। स्ट्रेचिंग करेंगे अपवर्ड्स, इनहेल अप, शोल्डर से ऊपर जाते हुए पूरी बॉडी को पंजों पर उठाते जाएंगे स्ट्रेचिंग के साथ। जमीन पर कोई भी पॉइंट फोकस कर लेंगे, फिक्स पॉइंट को अगर देखेंगे तो हम बैलेंस कर पाएंगे अपने आप को, डगमगाएंगे नहीं। हिलती चीज़ को देखेंगे तो आप खुद भी हिलना शुरू हो जाएंगे। जब भी आपको इस तरह से बैलेंस करने की एक्सरसाइज करने का मौका मिले, तो आप फिक्स किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन करेंगे। एक्सेल डाउन, शोल्डर लेवल तक किसी पोजीशन पर लाएंगे, शोल्डर लेवल से नीचे जाते हुए पूरे सोल को भी ज़मीन पर लाते जाएंगे, पूरी बॉडी ज़मीन पर। एक्सेलेंट, वंडरफुल। अगेन इनहेल अप, सांस खींचते जाएं शोल्डर लेवल तक, शोल्डर लेवल को जब आ जाएं तो सांस को होल्ड कर लें, सांस को होल्ड करके पूरी बॉडी को ऊपर पुल करना शुरू करेंगे, और जब दोनों थैलियाँ आपस में मिल जाएं तो फिर नॉर्मल सांस आप लेना शुरू कर देंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट कर देंगे, सांस को रोकेंगे नहीं, फेस को ढीला छोड़ेंगे, नेक को ढीला छोड़ेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, वंडरफुल, एक्सेलेंट। गहरे लंबे सांस, एक लेग को, राइट लेग को आगे रखेंगे, लेफ्ट को पीछे ले जाएंगे, दोनों पांव एक दूसरे के आमने सामने एक लाइन में रखते हुए दोनों आर्म रेज करेंगे शोल्डर लेवल पर, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करते हुए पीछे वाले को पंजे पर लाते हुए
एक एंगल पर आकर रुक जाएंगे, जिस एंगल पर हमारी थाइस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। इस एंगल पर रुकने के बाद राइट नी से बॉडी को कंट्रोल करते हुए मूव करेंगे 1 से 2 इंच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax। ये एक्सरसाइज भी नी के लिए, लेकिन ये वेट वाली नी के लिए, वेट के साथ है। ये जिन लोगों को प्रॉब्लम ऑलरेडी है, नी डैमेज है, उनको ये रिकमेंड नहीं की जाती, लेकिन जो लोग हेल्थी हैं वो इसको करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, नी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, थाइस की एक्सेस फैट मेल्ट होगी, बटर की एक्सेस फैट मेल्ट होगी, लंबर्स में स्ट्रेंथ आएगी और आपकी स्टमक की एक्सेस फैट मेल्ट होगी। ये इस पोर्शन का पूरा आपका वेट रिड्यूस होगा। चेंज करेंगे, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट को आगे रखते हुए बोथ आर्म्स रेज करेंगे, अगेन लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, पीछे वाली को पंजे पर खड़ा करते हुए एक एंगल पर आने के बाद मूवमेंट, हल्की मूवमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हेड अप, चेस्ट पर ओपन, चेस्ट पर स्ट्रेचिंग, नेक पर स्ट्रेचिंग, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंड रिलैक्स। वंडरफुल यार, लंबे सांस, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों टांगों के दरमियान मैक्सिमम गैप रखेंगे, दोनों आर्म रेज करेंगे शोल्डर लेवल, मुस्कुराते हुए ट्विस्ट करेंगे बॉडी को राइट, राइट हैंड को देखेंगे, दोनों आर्म पीछे, चेस्ट पर दबाओ, खिंचाओ, नेक पर ट्विस्टिंग, एब्स पर, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, सेंटर में होल्ड करेंगे, आर्म्स को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, छोड़ देंगे डाउन, गहरे लंबे सांस, दोबारा भी करना है, अगेन रेज करेंगे आर्म को शोल्डर लेवल, राइट लेग को ट्विस्ट करेंगे, राइट पाँव को, दोनों पाँव की टी बन जाएगी, ट्विस्ट करने के बाद राइट लेग को फोल्ड करेंगे, अपर बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, चेस्ट स्ट्रेट रखते हुए, आर्म स्ट्रेट रखते हुए, सिर्फ राइट नी से बॉडी को मूव करेंगे, डाउन, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वंडरफुल वंडरफुल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
एक्सेल डाउन। यहाँ पर रुकने के बाद बॉडी को बेंड करेंगे, राइट हैंड नीचे ले जाएंगे पांव के साथ, लेफ्ट हैंड 90 डिग्री पर घूमकर हेड को 90 डिग्री, हैंड को देखेंगे आसमान तक, नजरें आसमान तक। राइट हैंड को नीचे ले आएंगे दूसरे हाथ के साथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे, दूसरा हाथ ऊपर 90 डिग्री। अरे 60 में ये बहुत है। डाउन, बोथ आर्म डाउन, राइट हैंड नी पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड घुमाकर कमर के पीछे ले जाएंगे, एक्सीलेंट। राइट हैंड नी पर, राइट हैंड नी पर, लेफ्ट हैंड कमर के ऊपर ले जाएंगे, तो राइट हैंड को सामने करते हुए ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड सीधा आसमान की तरफ, वापस डाउन, सीधे हो जाएंगे। अच्छा भाई, नहीं तो सीधा कर लेंगे दोनों हाथ बॉडी के साथ, यार लंबे सांस, अगेन बोथ आर्म रेज करेंगे शोल्डर लेवल और आगे खड़े हो। अब लेफ्ट लेग को ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट पाँव को लेफ्ट साइड पर पूरा ट्विस्ट करेंगे, चेस्ट को सामने रखते हुए, आर्म को स्ट्रेट रखते हुए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, बॉडी को शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, लेफ्ट हैंड डाउन एंड राइट हैंड 90 डिग्री, वंडरफुल, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। चेंज करेंगे राइट डाउन लेफ्ट अप, बोथ डाउन। अब लेफ्ट नी पर रखेंगे, राइट को घुमाकर कमर के पीछे, लेफ्ट को सीधा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता 90 डिग्री, लेफ्ट आर्म डाउन, बॉडी को सीधा करते जाएंगे, पांव को सामने वापस अपनी जगह पर, दोनों आर्म से राइट हैंड हॉल्ड पर, लेफ्ट हैंड डली पर टिल पर, गहरे लंबे सांस, वंडरफुल। लेग्स को वन बाई वन होल्ड करेंगे, वजन शिफ्ट करते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे, वंडरफुल। दोनों बाजू को ढीला डाला छोड़ते हुए बाजू को एक तरफ उठाएंगे सांस के साथ, रिलैक्स करें सांस के साथ, रिलैक्स करें बॉडी को, बिल्कुल ढीला डाला छोड़ के, बिल्कुल ढीला डाला, पूरे हाथों को पूरे बॉडी को ढीला डाला छोड़ कर, एक तरफ इन है दूसरी तरफ एक्स, इन है एक्स, इन है एक्स, डाला छोड़ के बाजू को सराउंडिंग घुमाए, नीचे
बैठेंगे आप? बैठेंगे कैसे? एक्सेलेंट, जबरदस्त। जो भी आसान पोज है, जो भी आरामदेह पोज है, चाहे सुप पोज में बैठते हैं, क्रॉस लेग, चाहे इस तरह से वज्रासन में बैठते हैं, स्पाइन को स्ट्रेट करें, शोल्डर को रिलैक्स करें, बंद आंखों के साथ अपनी तवज्जो अपनी बॉडी पर चंद लम्हों के लिए। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, फोरहेड पर तवज्जो शिफ्ट करें, अपने माथे पर तवज्जो शिफ्ट करें, माथे के सर्विक्स को निकालें, ढीला छोड़े माथे के स्किन को सेंसेशन फील करें अपने फोरहेड का ढीला डाला छोड़ते हुए। सर की स्किन को ढीला डाला छोड़ दें, जिस तरह गीले कपड़े को पोल पर डालते हैं, किसी चीज़ पर डालते हैं लटक जाता है, इसी तरह अपने सर की स्किन को ढीला डाला छोड़ें, अपने स्कल्प पर अपनी खोपड़ी पर सर की स्किन को बिल्कुल ढीला डाला छोड़ें। तवज्जो शिफ्ट करते हुए आंखें बंद रखते हुए तवज्जो शिफ्ट कीजिएगा आईब्रो पर, आईलैशेस पर, अपने आई बाल को बिल्कुल फिक्स कर दें, फ्रीज कर दें, आईब्रो को आईलैशेस को ढीला छोड़ दें। तवज्जो शिफ्ट करें अपने नोस्टर पर, अपने नोज के मसल्स को ढीला डाला छोड़ दें, शेप को विजुलाइज करते हुए, अपने नाक की शेप को विजुलाइज करते हुए, दिल की आँख से देखते हुए ढीला डाला छोड़ दें, चिक्स को ढीला छोड़ें, लिप्स को ढीला छोड़ें, और आप देखेंगे कि फेस पर एक अट्रैक्शन वाली एक बहुत ही पुरवकार मुस्कुराहट आपके फेस पर आ जाएगी। लिप्स को ढीला छोड़ते ही आप इस मुस्कुराहट को अपनी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर इसके इफेक्ट को महसूस करें, अपनी बॉडी को ढीला डाला फील करें और अपनी बॉडी को पुरवकार फील करें, अपनी बॉडी के तमाम टाइट मसल्स को रिलैक्स करें, अनटाइट कर दें, चिन को ढीला छोड़ दें, अपने ईयर्स को, अपने कानों को ढीला डाला छोड़ दें, अपने नेक पर तवज्जो शिफ्ट करें, नेक को विजुलाइज करें, दिल की आँख से अपनी नेक को देखें, नेक की स्ट्रेटनेस को देखें, नेक की पावर को देखें, सर्वाइकल के तमाम मोरू को देखें, सर्वाइकल को इम्प्रूव होता हुआ देखें, स्ट्रांग होता हुआ देखें, नेक के मसल्स को तवज्जो शिफ्ट करें, राइट शोल्डर तक, राइट शोल्डर के फंक्शन को महसूस करें, राइट शोल्डर के इनसाइड परफॉर्मेंस को महसूस करें, इनसाइड मसल्स को महसूस करें, लेफ्ट शोल्डर पर तवज्जो शिफ्ट करते हुए सेम फीलिंग लेकर आएँ, राइट एल्बो को महसूस करें, राइट एल्बो के फंक्शन को महसूस करें, राइट एल्बो की परफॉर्मेंस को, परफेक्शन को महसूस करते हुए अप्रिशिएट करें, लेफ्ट एल्बो के पर भी सेम फीलिंग लेकर आएँ, राइट पाम के ऊपर सेंसेशन फील करें, राइट हथेली के ऊपर सेंसेशन फील करते हुए ढीला डाला छोड़ें, सेम फीलिंग लेकर आएँ लेफ्ट पाम पर, अपनी तवज्जो शिफ्ट कीजिएगा अपने चेस्ट पर, चेस्ट पर शिफ्ट करते हुए, रिब केज पर शिफ्ट करते हुए अपनी चेस्ट की बूंद को महसूस करें, उनके ऊपर उनके मसल्स को महसूस करें, बेली बटन को फील करते हुए, बेली बटन के तरफ के मसल्स को फील करते हुए ढीला डाला छोड़ दें, स्पाइन को फील करें, स्पाइन की स्ट्रेटनेस को फील करें, स्पाइन के अतराफ के तमाम मसल्स को रिलैक्स करें, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी, आपका साथ देने वाली परफेक्ट पूरी स्पाइन पर तवज्जो शिफ्ट करते हुए एक एक मोरे को, एक एक जॉइंट को फील करते हुए ढीला डाला छोड़ते जाएं, हिप जॉइंट को महसूस करें, हिप जॉइंट के फंक्शन को महसूस करें और इसको अप्रिशिएट करें, आपके पेल्विस एरिया के, पेल्विस रीजन के तमाम मसल्स को रिलैक्स कर दें फील करते हुए, नी जॉइंट्स को महसूस करते हुए ढीला डाला छोड़ दें, क्राफ्ट को ढीला डाला छोड़ दें, दोनों हील्स को, दोनों सोल्स को, दोनों बिग टोज को ढीला डाला छोड़ दें, आपके एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल बॉडी बिल्कुल ढीली डाली आराम की कैफियत में, इंटरनल ऑर्गन को ढीला छोड़ें, ब्रेन को फील करें, ब्रेन के साइज और शेप को फील करें, ब्रेन के वेट को फील करें, इसके फंक्शन को अप्रिशिएट करें, आगे तवज्जो शिफ्ट करते हुए अपने लंग्स की तरफ बढ़ जाएं, अपने लंग्स को देखें, लंग्स के कलर को देखें, लंग्स की शेप को देखें,
लंग्स के वेट को हम फील करते हुए इसकी परफॉर्मेंस को देखें, कमाल की परफॉर्मेंस है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और इस बेहतरीन परफॉर्मेंस पर इसको अप्रिशिएट करें। अपने हार्ट पर तवज्जो शिफ्ट करें, आपका हार्ट परफेक्शन के साथ अपना फंक्शन, अपना काम सारा निज़ाम दे रहा है, बचपन से लेकर आज तक और आज से लेकर आखिरी वक्त तक भी आपका परफेक्शन के साथ साथ देगा। इसकी इसके कलर को फील करें, इसके शेप को देखें, दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम घूम कर देखें, इसको अप्रिशिएट करें। इसके तमाम फंक्शन, तमाम वाल्व्स बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देखें, कोई रिकावट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है इसके वाल्व, इसका फंक्शन बिल्कुल क्लियर है। पैनक्रियास की तरफ तवज्जो शिफ्ट करते हुए पैनक्रियास के फंक्शन को देखते हुए इसको अप्रिशिएट करें। विजिट कीजिएगा अपने मैदे का, अपने मैदे के स्टमक के तमाम मसल, तमाम तजाबियत को हवा में उड़ता हुआ फील करें। आपका मैदा बिल्कुल पाक साफ शफाफ, कोई गैस नहीं है, कोई डेफिशेंसी नहीं है। इंटेस्टाइन्स का विजिट कीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों का विजिट करते हुए उनके परफेक्शन को देखें, उनको अप्रिशिएट करें। अपने राइट किडनी, लेफ्ट किडनी दोनों को देखें, दोनों को घुमा घुमा कर देखें, ऊपर नीचे दाएं बाएं से देखें। अपने आँखों के साथ क्लीन करें अपनी किडनी को और इनके फंक्शन देखें, बेहतरीन फंक्शन कर रही है आपकी किडनी, और इस पर इनको अप्रिशिएट करें। आपके पेल्विक रीजन के तमाम ऑर्गन, यूरिनरी ट्रैक, स्टूल ट्रैक बिल्कुल बेहतरीन फंक्शन के साथ इनको अप्रिशिएट करें। अपने नी जॉइंट को अप्रिशिएट करें, आपका साथ देने वाली है ये लेग, आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में आपको हेल्प करती हैं, उस पर बेहतरीन परफॉर्मेंस अदा कर रही हैं, इनको अप्रिशिएट करें। अपने पाँव को अप्रिशिएट करें, ये बॉडी अल्लाह पाक की नियामत है, ये ऐसी नियामत है इसका कोई बदल दुनिया में नहीं है, इसका कोई बदल दुनिया में नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है दुनिया में। दुनिया की चीज़ों में अगर कोई नियामत है तो ये बॉडी है, इसलिए कि तमाम नियमतों को इस बॉडी की नियमत के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बॉडी की नियमत के साथ आप तमाम फ़राइज अंजाम दे सकते हैं, इसलिए इसको अप्रिशिएट करें, इस नियमत की कदर करें। और इसका ख्याल रखने के लिए, इसका ख्याल रखने के लिए आज से अपना इरादा, अपनी नीयत और मुसम्मम इरादे के साथ ये अपने साथ ऐड करें कि इस नियमत की कदर करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। अपनी बॉडी के साथ जो फीलिंग्स लेकर आए हैं, इसी फीलिंग्स को अपने माइंड के ज़रिए, अपनी बॉडी के ज़रिए डिस्चार्ज करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, कायनात के हर ज़र्रे तक पहुँचाएँ। ये फील करें कि जिस तरह मैं अपनी बॉडी के साथ वायलेशन नहीं करूँगा, जिस तरह मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखूँगा, जिस तरह इस नियमत का ख्याल रखूँगा, इसी तरह यही पॉजिटिविटी स्प्रेड करें पूरी कायनात में, ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करें पूरी सराउंडिंग में, हर चीज़ के साथ, कि तमाम चीज़ें, तमाम क्रिएशंस ये अल्लाह ताला की नियमतें हैं, ये फ़कत मेरे लिए बनी हैं, इन तमाम चीज़ों की कदर करूँगा, किसी भी चीज़ के साथ वायलेशन नहीं करूँगा। इस ऐड के साथ पॉजिटिविटी डिस्चार्ज करें, वही पॉजिटिविटी रिटर्न होती हुई फील करें, हर चीज़ से रिस्पॉन्स होता हुआ फील करें, हर चीज़ आपके साथ ये कमिटमेंट कर रही है कि तुम अगर वायलेशन नहीं करोगे, तुम अगर इस नियमत की कदर करोगे तो हम भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम भी तुम्हारी कदर करेंगे, हम भी तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने वाले बनेंगे। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है इंसान को फ़ायदा ना दे, अगर इंसान उठ जाए इस कायनात से, इंसान ख़त्म हो जाए इस ज़मीन से, तो किसी भी दूसरी चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कायनात की कोई दूसरी चीज़ चंद लम्हों के लिए गायब हो जाए तो इंसान डायरेक्टली इफेक्ट होगा, सारे इंसान चले जाएं, सूरज उसी आबोताब से चमकता रहेगा, लेकिन अगर सूरज गायब हो जाए तो इंसान तड़प तड़प कर लग जाएंगे। अगर तमाम इंसान इस दुनिया से गायब हो जाएं, तो जितने भी आपके नबातात हैं उसी तरह सरसब्ज व शादाब रहेंगे, लेकिन अगर तमाम नबातात ख़त्म हो जाएँ, तमाम हरियाली ख़त्म हो जाए, तो इंसान के लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी,
इंसान तड़प तड़प का ख़त्म हो जाएगा। एक एक चीज़ कायनात की पर गौर करें, एक एक चीज़ सिर्फ इंसान के लिए बनी है, इसलिए कि वो चीज़ अगर गायब हो जाए तो इंसान इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर इंसान गायब हो जाए तो कोई भी चीज़ इफेक्टिव नहीं होती, हर चीज़ अपनी जगह पर रवा दवा रहेगी। तो इस बात को गौर करें कि इंसान कितना हर चीज़ का मोहताज है, कितना हर चीज़, इसलिए कि हर चीज़ अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है, इंसान के लिए इन ये तमाम नियमतें बनाई हैं, इन नियमतों की कदर करेंगे जिस तरह इस बॉडी की कदर करते हैं, कदर करेंगे जिस तरह हमने तहिया किया है कि इस शेर की बॉडी का हम पूरा ख्याल रखेंगे, पूरी कदर करेंगे, ये एक बहुत बड़ी नियमत है। इसी तरह इस बॉडी को कायम और दायम रखने के लिए जितनी भी चीज़ें आप अल्लाह पाक ने बनाई हैं, नो डाउट के वो भी बेहतरीन नियमतें हैं, उनकी भी कदर करेंगे और तमाम नियमतों के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। दिल से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहेंगे, शुक्रगुजारी में हमेशा रहेंगे, हमेशा शुक्र अदा करते रहेंगे इस वाली का, इस कायनात में फैले हुए एक एक जर्रे का। जिनकी सुनेंगे 1 to 10, 10 पर आपकी आंखें खुद खुद खुल जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सुभान अल्लाह कहते हुए आंखें खोल लें। सुभान अल्लाह। दुआ के लिए आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का।